हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस रोज के डिज़ाइन को पेंट करके दिखाने वाले हैं। उम्मीद है आप सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ डिजाइन बना चुके हैं, यानी कि डिजाइन को कपड़े पर ड्रा कर चुके हैं। इसे फ्रेम की सहायता से इस तरीके से टाइट कर लेंगे और सबसे पहले ग्रीन पार्ट को बनाएंगे। तो हम यहाँ ग्रीन पार्ट बनाने के लिए सैप ग्रीन 21 नंबर लिए हैं और ब्रश जो है मेरा फ्लैट ब्रश है 3 नंबर का। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इस तरीके से पूरे लीफ को फिल कर लेंगे और उसके बाद रेड कलर से इसमें कटिंग बनाएंगे। कटिंग के लिए हम यहाँ पेन ब्रश नंबर 4 लिए हैं। ये पतला ब्रश है, आपके पास कोई भी पतला ब्रश हो किसी भी नंबर का तो उसका यूज कर सकते हैं कटिंग के लिए। तो पेन ब्रश नंबर 4 से हम कटिंग बनाए हुए हैं। इस तरीके से कटिंग करने के बाद ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, यानी रियल दिखता है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस डिज़ाइन का स्केचिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आप खुद भी बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। कटिंग बनाने के बाद फ्लैट ब्रश की सहायता से जो एक्स्ट्रा रेड कलर पत्ते के अंदर है उसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा लीफ दिख रहा है, बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है, जैसा कि रोज़ का लीफ होता है। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद पेन ब्रश की सहायता से इसमें वाइट कलर से पतला लाइन बनाएंगे इस तरीके से, तो और भी खूबसूरत दिखेगा ये पत्ता। स्टेम को भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले ग्रीन कलर से फिल कर लेंगे और किनारे पे हल्का रेड कलर ऐड करके और मिक्स कर देंगे। वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये गुलाब का फूल है और इसमें कांटा भी होता है, तो चलिए कांटा बनाते हैं। कांटे के लिए रेड कलर लेंगे और थोड़ा सा उसमें ग्रीन कलर ऐड करके तब बनाएंगे, तो काफ़ी प्यारा कांटा बनेगा, यानी जो थ्रोन है इसका बिल्कुल रियल बनेगा। तो इस तरीके से आप कांटा भी बना सकते हैं।
तो ग्रीन पार्ट अब मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर के लिए हम रेड कलर लिए हैं, क्रिम्सन रेड 04 नंबर का है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इसकी पंखुड़ी है उसको रेड कलर से फिल कर देंगे। इस तरीके से फिल करेंगे फ्लैट ब्रश की सहायता से। हाँ, फिल करते समय ये ध्यान रखेंगे जो कलर है वो बाहर ना निकले। यदि कलर बाहर निकल जाता है यानी कि जो बाहर की लाइन है वो साफ़ नहीं दिखेगी तो फिर डिज़ाइन जो है उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कलर जो है बाहर ना जाए डिज़ाइन से। तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा और ये डिज़ाइन तो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन और बन जाइए मेरे इस प्यारे से ज्ञानलोक फैमिली का एक प्यारा सा सदस्य। पंखुड़ी को इस तरीके से फिल करने के बाद ब्लैक कलर से हल्का लाइन बनाएंगे दो पंखुड़ियों के बीच में। बिल्कुल हल्का लाइन बनाएंगे, पतला लाइन बनाएंगे। इसके लिए आप किसी भी पतले ब्रश का यूज कर सकते हैं। लाइन बनाने के बाद फ्लैट ब्रश से उसे मिक्स कर देंगे, ऐसे मिक्स करेंगे। इसी तरीके से सभी पंखुड़ियों को बारी बारी से बना लेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो।
अब ये डिजाइन बन चुका है। चलिए अब कली बनाते हैं। कली में भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे, पहले रेड कलर से फिल कर देंगे और नीचे ब्लैक कलर ऐड करके मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना प्यारा डिजाइन बना है। और किनारे के लिए तो एक पहले डिजाइन बना लेंगे, कोने पे कॉर्नर पे एक डिजाइन बनाएंगे और सेम डिजाइन को कॉपी कर लेंगे बाकी के कॉर्नर पे, ताकि डिजाइन बिल्कुल सेम बने। तो बहुत ही सिंपल डिजाइन बनाए हुए हैं हम। आप चाहे तो इस डिजाइन को बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है ये डिजाइन, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो आप ट्राई कीजिए एक बार, बनाने में भी बिल्कुल आसान है। तो अब किनारे का डिजाइन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, दिख रहा है ना, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये पूरा जो रुमाल है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इस तरीके से सिंपल किनारे का डिजाइन बनाकर अपने रुमाल को एक प्यारा सा लुक दे सकते हो। उम्मीद है आप सबको ये डिजाइन बहुत पसंद आया होगा। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के डिजाइन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए डिजाइन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।